बगहा के मैनाहा गांव में टीका लगाने के बाद एक बच्चे की मौत होने से सनसनी मच गई। नियमित टीकाकरण के दौरान बगहा दो प्रखंड के मैनाहा गांव में एएनएम और सेविका ने बच्चों को टीका लगाया था। टीका लगने के बाद एक बच्चे की मौत हो गई और 17 बच्चे बीमार हो गए। बच्चों के बीमार होने की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आ गई और सभी बच्चों को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीण की माने तो टीका लगने के बाद ही बच्चे बेचैन हो गए और एक के बाद एक एक कर कई बच्चे बीमार हो गए। चश्मदीद रघुपति कुमार ने बताया कि टीकाकरण के बाद एक बच्चे की मौत हो जाने से गांव में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में अधिकारियों को सूचना देकर बच्चों को अस्पताल लाया गया। मामला था कि बगहा यस्सी से एनएम सीमा देवी यहां से गई थी बच्चों का टीका, और उस गांव मैनाहा गांव में गई और वहां पे जो है टीका कह करके जो है दिया गया, और एक बच्चे का चार टीका बीसी का टीका करके दिया गया, एक बच्चे का चार टीका दिया गया और उस टीके के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया कि बच्चे को किस डे क्यों लगाया जा रहा है, और बच्चे की हालत सुधरने के बजाय जो है उसमें उनका हालत बिगड़ता गया। और उस गांव में लगभग 20 बच्चे का जो है टीका लगाया गया, जिसमें तुरंत एक बच्चे का जो डेथ हो गया वहाँ, और जब डेथ हुआ बच्चे का तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल में फोन किया जा रहा था तो फोन के द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। निजी भाड़ा करके जो है कुछ बच्चों को यहाँ पर लाया गया और यहाँ पे जो है कह करके शिकायत किया गया था, जाकर के आनंद थाने में जो है एम्बुलेंस भेजा गया और बाकी बच्चे को वहाँ से मंगाया गया और यहाँ पे अस्पताल में लाया गया, उसके लिए जो है दवा किया गया। वहीं बगहा अनुमंडल अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि बच्चों को डीपीटी का टीका लगाया हुआ था। उन्होंने बताया कि डीपीटी के टीके के बाद बुखार और दर्द की शिकायत आनी स्वाभाविक है। सुनील कुमार सिंह ने बताया कि जिस बच्चे की मौत हुई, हो सकता है कि उसे पहले से ही कोई बीमारी हो। उन्होंने कहा कि गाँव वालों को डीपीटी के टीके लगने के बाद होने वाले बुखार और दर्द के बारे में एएनएम को जानकारी देनी चाहिए थी। डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में 17 बच्चे फिलहाल खतरे से बाहर है। मैनाहा गांव है, चिउटहा थाना है, वहां से एसडीएम साहब का फोन आया था कि कुछ बच्चे वहां पे, एक बच्चे की मौत हुई है कुछ टीका लगने से, और इसी कारण से गांव के लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि दो और बच्चों को वैक्सीनेशन लगा था। उसके बाद से मैं नाइट में ड्यूटी में था तो 11 बजे 9 बच्चे आए और 2 बजे के आसपास में 7 बच्चे और आए, टोटल 17 बच्चे थे हमारे पास। इनमें कुछ में जहाँ इंजेक्शन पड़ा था वहाँ दर्द था और 2-3 को बुखार था, बाकी सारे बच्चे ठीक थे, कोई भी परेशानी नहीं थी। सारे बच्चों को हमने रखा है, अभी किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं है। डीपीटी का टीका लगा था, इसके बाद दर्द और बुखार स्वाभाविक है, ये नॉर्मल फेनोमेना है, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है जो सेविका टीका दी हो, बुखार का दवा नहीं दी, प्रॉपर तरीके से समझाया नहीं गया, इसी कारण से गांव वालों में ये भय का माहौल बना। एक बच्चे की मौत भी हुई है सर, उस बच्चे में क्या था मुझे तो जानकारी नहीं है, पहले से हो सकता है कोई बीमारी हो इसके कारण से, और बुखार कंट्रोल नहीं हुआ हो तो ये भी कारण हो सकता है। उस बच्चे के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं सभी बच्चे सर किस हालत में हैं अभी? यहाँ सारे बच्चे 17 के 17 बच्चे हमारे सारे स्वस्थ हैं, अभी ठीक है। डीपीटी के टीके के बाद बच्चों को आमतौर पर बुखार आ ही जाता है, हो सकता है कि गांव के लोगों को इसकी जानकारी नहीं हो। खुशी की बात है कि अस्पताल में भर्ती 17 बच्चे अब ठीक है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को एक मृत बच्चे के मामले की तह तक जाना चाहिए, साथ ही ये पता करना चाहिए कि आखिर उस एक बच्चे की मौत की वजह क्या थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।